कैसे हैं आप सब लोग। आज एक नई गाड़ी आई है हमारे पास जो कि भिलाई की पहली है और मैंने ले ली है। सो भिलाई क्या, पूरे छत्तीसगढ़ की पहली गाड़ी है ये, और अभी तक गाड़ी का नंबर भी नहीं आया, कुछ नहीं आया। और जो कलर है वो बहुत यूनिक कलर है। अभी ही ये कुछ समय पहले ही ये गाड़ी लॉन्च हुई है जो कि लेजेंड गाड़ी है। मेरे पास इसकी पुरानी मॉडल है, आज भी वो गाड़ी मेरे पास रखी हुई है। लेकिन ये जो गाड़ी है ये बाप गाड़ी है, और मैं आपको चलो बता ही देते हैं गाड़ी कौन सी है। और ये है आपकी हीरो करिश्मा XMR, जो इसके ये थर्ड जेन करिश्मा है। इससे पहले जो जनरेशन है सेकंड जेन, वो बहुत ही बेकार जनरेशन थी। मेरे पास फर्स्ट जनरेशन करिश्मा आर है, और ये है XMR जिसमें आपको ड्यूल चेन ABS मिल जाता है, TFT स्क्रीन, प्रॉपर TFT स्क्रीन भी नहीं बोल सकते लेकिन बढ़िया सी स्क्रीन मिल जाती है जिसके अंदर इतने सारे फीचर्स जो कि हम आगे बात करेंगे। 11 लीटर का टैंक मिल जाता है, और बढ़िया ऐसी सीट आगे, और जो सीट कंफर्टेबल है, मतलब कुशन जो इसका है भाई बढ़िया है, और प्योर LED है। लाइट जो है पीछे का लाइट देख लो भाई, मैं इसमें ऐड कर दूंगा कि रात में कितनी सुंदर दिखती है। प्लस हैजर्ड लाइट के लिए आप ऑप्शन पहले से दे, ये चालू कर दो, हो गया भाई, बटन है, वन टच काम है सब इसमें। स्लीपर क्लच है, और हीरो की पहली गाड़ी जिसमें लिक्विड कूल्ड है। और सामने से आइए इसका लुक देखिए भाई, ये गाड़ी से प्यार ना हो तो क्या हो। ड्यूल चेन ABS मैंने आपको बताया, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सामने का, और इसमें DOHC जो कि है ड्यूल ओवर हेड कैम्स, जो कि हीरो की पहली गाड़ी है। ये हीरो में आज तक ये सिस्टम नहीं आया था जो कि अब इसमें आ चुका है। प्लस इसमें आप इस तरफ आओगे तो एक चीज़ बहुत प्यारी चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो ये वाइजर का बटन, ये थोड़ा सा हार्ड है, ये एडजस्टेबल है, ये देखो इसको ऊपर नीचे कर लो बढ़िया से। 11 लीटर का टंकी है, 35 का एवरेज है, 210 cc, 25 BHP है, 20 Nm ऑफ टॉर्क है। और भाई एक बात बता रहा हूँ आपको, ये R15 और ये RS का जमाना गया भाई, ये आ गया, उन लोग का रिप्लेसमेंट आ चुका है। R15 हो चुकी पूरी छपरी, तो ये क्लास है, ये जो चला रहा है उसके पास एक स्टैंडर्ड है भाई, और कंफर्टेबल बहुत है। आपको साउंड सुनाता हूँ गाड़ी का, सॉफ्ट साउंड, और जो क्वालिटी है, कैमरामैन इधर आइए, जरा दिखाइए भाई लोग को कि जो क्वालिटी है ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। 2 लाख प्लस आती है ऑन रोड, और काफ़ी मतलब रिजनेबल प्राइस लग रहा है आज के डेट में, जो रेट्स बढ़ गए बाइक्स के तो उस हिसाब से काफ़ी रिजनेबल प्राइस है गाड़ी का। प्लस जो फीचर्स ये है, यहाँ पे ये M और S है, ये M दबाओगे जैसे अभी इसमें किलोमीटर दिखा रहा है, ओडोमीटर कितनी गाड़ी चल गई है, 370 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, 6 दिन हो चुके गाड़ी को मतलब गाड़ी घर आए हुए, और ये वीडियो थोड़ी सी लेट डल गई इसलिए सॉरी। प्लस इसमें जैसे मैं बता रहा हूँ 370 किलोमीटर गाड़ी चल गई, एम दबाऊंगा तो और सारी चीज़ें, ये ट्रिप ए हो गया, ये ट्रिप बी हो गया, एक और ये एवरेज जो इंस्टेंट मतलब जो अपन रनिंग एवरेज दिखाएगा वो, और नीचे रेंज कि ये नीचे रेंज दिखा देगा। प्लस एक नेविगेशन है, लेकिन नेविगेशन में ऐसा नहीं कि पूरा मैप आ जाएगा, यहाँ पे एक बस आपको लेफ्ट राइट जो लेना है वो एरो आएगा सिर्फ। और एक बार बटन दबाऊंगा तो इसमें सर्विस ड्यू कितनी है, कब करवानी है सर्विस, बैटरी का, और नीचे जो डेट है वो दिखा देगा, और अपीयरेंस मतलब डे टाइम रखना, ऑटोमेटिक रखना है, नाइट रखना है, तो वो चीज़ आएगी ये S का बटन दबाने से, वो चीज़ आएगी। जैसे मैं दबा के रखा और ये आ गया, कौन सा रखना है, और वापस ये नॉर्मल, और सारी चीज़ें थी। यहाँ पे ABS का साइन, लो फ्यूल रिजर्व का आ गया, हाई बीम, इंडिकेटर, न्यूट्रल स्टैंड, इंजन साइन और कूलेंट साइन, और ये है आपका सेंसर यहाँ पे, ये छोटू सा छुपा हुआ सेंसर। बाकी क्वालिटी बहुत प्यारा है, और ये जो मिरर्स है, मिरर्स भी काफ़ी अच्छे वाइड है, कोई ऐसा नहीं है कि छोटे से मिरर्स है जो आपको ऐसा लगे कि यार दिख नहीं रहा है या ऐसा कुछ नहीं है। प्लस सबसे बढ़िया पिलन के लिए ये है कि उसके पास ग्रैब करने के लिए हैंडल्स पीछे आ गए, तो बहुत प्यारी चीज़ होगी है ये, जो कि बहुत अच्छी है। प्लस ये इंडिकेटर जो आजकल आफ्टर मार्केट से फिटिंग करवाना पड़ता है, जो कि आपको नहीं करवाना पड़ेगा, और इसके इंडिकेटर यहाँ दिए ना कि मिरर में है, तो एक अलग चीज़ है, क्योंकि आजकल यहाँ पर इसको रिप्लेस करना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहता है, सो उसका भी आपको इशू नहीं। अगर ये इफ़ इन केस गाड़ी गिरती भी है
तो ये आप तुरंत रिप्लेस कर सकते हो। बस एक चीज़ मेरे को इसमें जो लगी वो है कि यहाँ पे क्रैश गार्ड डालने का थोड़ा सिस्टम अभी मतलब समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये गाड़ी गिरी तो कहाँ से अपन गाड़ी को बचा सके। बाकी जो क्वालिटी है प्लास्टिक क्वालिटी भाई 10 में से 10 दूंगा मैं तो, मेरे हिसाब से, क्योंकि करिश्मा फैन हूँ ही मैं। और यहाँ पे हीरो की बैजिंग है, सीट में प्यारा सा एच लिखा हुआ है, यहाँ पे हीरो की बैजिंग है, यहाँ रिफ्लेक्टर है, यहाँ पे नीचे नंबर प्लेट के लिए LED लाइट है, ड्यूल चेन ABS, एग्जॉस्ट प्यारा सा क्यूट सा, और नीचे कैटलिक कन्वर्टर। तो और ये रिमूवेबल नहीं है एग्जॉस्ट, जैसे बाकी सब डोमिनर में जैसे है, इसमें रिमूवेबल नहीं है। यहाँ पे ऑयल कितना लेवल है वो दिखा देगा आपको, यहाँ से ऑयल डालो निकाल, यहाँ से डालो नीचे से निकालो, ऑयल फिल्टर। बाकी जो दिया है इस बार हीरो ने जो काम किया भाई, बढ़िया काम किया, मतलब मैं इम्प्रेस भी काफ़ी ज़्यादा। और जो हेडलाइट है वो नाइट में काफ़ी अच्छी, मतलब ऐसा नहीं कि आपको चेंज वेंज करवाना पड़े या एक्स्ट्रा लाइट लगानी पड़े। सो जो चीज़ इस बार हीरो ने करी है भाई मज़ा आ गया। अब मेरे को लग रहा है कि असली करिश्मा आई है, जो पुरानी करिश्मा थी फर्स्ट जनरेशन करिश्मा आर और ZMR, वो गाड़ी अलग लेवल की थी और ये गाड़ी अलग लेवल की। ये है कि कॉम्पिटिटर जो इसके हैं R15 हो गए, RS हो गई, और जो 200cc के आसपास की गाड़ियां हैं वो सब फेल है, ये मैं अपने हिसाब से समझता हूँ। बाकी गाड़ी का रेट 2,10,000 के आसपास आता है, आप स्टेट के हिसाब से वेरी करेगा। बाकी गाड़ी बहुत प्यारी है, मैं रिकमेंड करूँगा सबको कि भाई जाके ये उठा के R15 सब ले रहे हो, और मेंटेनेंस लो मेंटेनेंस हीरो का रहता ही रहता है। सो अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और एक और बात बता देता भाई, आजा भाई, ये भाई है पुलकित जिसने ये गाड़ी ली है, मैंने गाड़ी नहीं ली है भाई, अपना तो समय ही नहीं मिलता ये सब करने का, तो भाई ने गाड़ी ली है, सो भाई को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और थैंक यू भाई, ये बंदा ना मेरे को ही देख के क्यों बोला आया घर आया रात को लेके, मतलब भाई तू करिश्मा लिया था ना, बस वही देख के मैं गाड़ी लिया, नहीं तो मैं गाड़ी नहीं लेता। मेरे को सजेस्ट भी इसी ने किया था लास्ट डे पे जब लेने वाला था, तो वही है कि बोला कि भाई गाड़ी लेने, मैं बोला करिश्मा आई है देख ले, गया। और ये गाड़ी यहाँ से भी मतलब एक्चुअली भिलाई में भी कौन सी जगह से थी, बेरला करके कोई छत्तीसगढ़ में जगह, वहाँ से आई थी, आई थिंक 70-80 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर से गाड़ी आई है, यहाँ पे गाड़ी का स्टॉक भी नहीं। सो बाकी भाई गाड़ी है ज़बरदस्त, टेस्ट ड्राइव आप लोग को मिल रही है, आप टेस्ट ड्राइव करो, मैं बता रहा हूँ भाई ये गाड़ी चलाने में जो मज़ा आएगा ना वो बाकी सब गाड़ी में नहीं आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। अरे सुनो सुनो, एक चीज़ तो बताना भूल गया यार, स्लीपर क्लच भी आ गया इसमें, SAC स्लीपर एंड एडप्टिव क्लच, ये इसमें नहीं था, वो भी इसमें एड ऑन हो गया, मतलब वैल्यू फॉर मनी है ये गाड़ी। बाकी बाय बाय। और इसका जो टायर है 140/70/17 inch के अलॉय है, और 140/70 इसका डायमीटर है, सो सही है, बस मोटा टायर है। सामने है आपका कहाँ गया 180, और ये भी है 17 तो इसका भी 180/17, मतलब 17 तो है ही, बस सामने 15 है, पीछे मोटा है, और पीछे और मोटा डाल सकते। पुरानी करिश्मा में ये था कि मोटा टायर और नहीं डाल सकते थे, लेकिन इसमें डाल सकते, और MRF के टायर है, प्लस मोनोशॉक है, करिश्मा में मोनोशॉक नहीं आता था, इसमें मोनोशॉक है। सो राइड हाइट भी आप थोड़ा एडजस्ट करते, मतलब इसको सस्पेंशन तो थोड़ा सा लूज वूज करके हाइट वाइट, मेरे जैसे बटर लोग तो चला ही सकते हैं, मेरा पैर नहीं पहुंचता ना वैसे, उठा के जाना पड़ता है, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, वैसे कि अभी शूज़ नहीं है, मेरा एक पैर पूरा हवा में आ जाता है, दूसरा पैर टिकता है, ये सेम उठा वैसे उठा के आना पड़ता है मेरे को, लेकिन जैसे पुलकित का हाइट मेरे से ज़्यादा है और वेट भी है उसका, तो सस्पेंशन बैठ जाता है, उस वजह से इसका अच्छा पुलकित बैठ के दिखा, बैठ के दिखा, और यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट भी दिए जो अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस यह है फास्ट चार्जिंग, मैं आपको दिखाता हूँ फास्ट चार्ज, रिफाइनमेंट है गाड़ी में भाई, एक नंबर रिफाइनमेंट है, मतलब कि क्या ही बोलूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस है, सोच रहा हूँ डोमिनर बेस किसको ले लूँ,
मजाक कर रहा हूँ, बहुत प्यारी गाड़ी है। ब्रांडिंग और जो फिट एंड फिनिश है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है हीरो की, जो कि पुराने मॉडल से। और जो ये मतलब ऐसे यहाँ पे कंधे में दर्द नहीं होगा इसमें, ये थोड़ा सा लिफ्टेड ही है पहले से। और अगर चाहिए तो आफ्टर मार्केट करवा ही सकते हो, तो सारी चीज़ें बाद की बात है, लेकिन जो स्टॉक में है काफ़ी प्यारी गाड़ी है। और इसकी जो चाबी है वो थोड़ी सी मेरे को लगी कि हाँ भाई, जो पहले मेस्ट्रो आती थी ना वैसी चाबी है, थोड़ा सा यूनिक टाइप की चाबी देनी थी, बट ओके नो प्रॉब्लम, चाबी है अच्छी। लेकिन मतलब थोड़ा सा और प्रीमियम हो जाती है अगर चाबी में भी थोड़ा वर्क करता हीरो, गाड़ी में ऐसे भी बहुत ज़्यादा वर्क किया ही किया है।